नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार रघुवंशी आपके सामने एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक लेकर के परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। आजकल ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्याएं कैसे निकालोगे, ये आपके लिए बहुत ही यक्ष प्रश्न होता है। तो देखिए, बहुत आसान होता है ये, बस आपको समझने का हेरफेर होता है। समझ जाएंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे बिना किसी टेंशन के। पहले तो परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में ऑलवेज आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। ये पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट है, जीरो हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब से एग्जाम में पूछा जाता है जीरो परिमेय या अपरिमेय है, जीरो एक परिमेय संख्या है। अगर एक के बारे में पूछा जाए, एक भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा फैक्ट है पाई। पाई बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हताश मायूस हो जाते हैं, क्या है भाई पाई। पाई कुछ नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर स्मॉल जी दिया, ये भी इरेशनल है, कैपिटल जी है, ये भी इरेशनल है, या अच्छा कुछ भी है, जो भी सिंबल साइन होते हैं सभी इरेशनल होते हैं। अगर इनके मान दिए गए हैं 22/7 वगैरह जो भी, तो वो सभी क्या है, रेशनल है। तो ये फैक्ट आपने समझ लिया। चले आगे। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। लेकिन पद चिन्ह बनाने के लिए आपको पहले सक्सेस होना होगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कुछ नींदें खोनी होगी, कुछ चैन सुकून खोना होगा। चलिए हमारे साथ चैन सुकून खोते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए आप पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंशहर में दोनों में गुणा कर दो। तो पहली भिन्न का हर है 2 से गुणा कर दो इसमें, ये होगा 2 और ये 3 × 6। इसको इंग्लिश में बोले 2 × 2 = 3, 2 = 6। तो अगर पहली भिन्न के हर से यानी डेनोमिनेटर से इसमें दोनों में मल्टीपल हुआ है, तो वही तरीका इसके साथ में अजमाएंगे। भाई अगर आप सामने वाले को एक थप्पड़ मारोगे तो भी तो मारेगा ना, वो ऐसा थोड़ी गांधी का जमाना ऐसे कर लेगा, भाई इसमें भी दे दो एक, ऐसे नहीं करेगा। तो अगर इसका इस साथ ऐसा हुआ तो इसमें क्या करेंगे, इस भिन्न के हर से दोनों में गुणा करेंगे, तो ये 3/3, अब ये हो जाएगा 3/6। अब गौर करिए, डेनोमिनेटर इक्वल हो गया, दोनों में इक्वल हो गया ना, तो फिर देर किस बात की, हो गया आपका उत्तर कैसे, जितनी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक करके आपको गुणा करना है, नीचे ऊपर दोनों में सभी में। तो 6 निकालना है ना, 6 में एक अधिक करोगे तो क्या आएगा, 7। अब आप इसमें 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 7 × 21 और 6 × 7 = 42। ये 2 × 2 इसमें भी तो करोगे ना बाबू, देखो इधर ये 7 और 7, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42। ये लो आ गया 7 परिमेय संख्या है। कैसे आई दिखाऊं मैं, समझ गए होगे अब आप लोग, एकदम बहुत अच्छे से समझ गए ना जी। ये देखो इधर पहली छोटी संख्या जो छोटा हर वाला उसको लिख लो 14/42, 7 निकालना था, 7 जगह छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये का है 21/42। देखो भाई 42 हमने 2, 4 जो है इस तरह से बनता है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। तो अब लिख लो 14 के बाद क्या आएगा, 15 15/42, 16/42, 17/42, 18/42, 19, ज्यादा हो गया काजी, 6 निकालना था ना, तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। आ गया ना, देखिए 6 हो गया कि नहीं, इतना ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए और बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे, और धोखा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा बुरा पाप मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके आगे हम आपको इसमें एक दो क्वेश्चन और भी दिखा देते हैं, उसको भी देखिएगा, कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा। वो गाना सुना ना आपने, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। तो भाई मरते दम तक तो नहीं, लेकिन इस क्लास तक तो रह सकते हैं ना साथ पूरा, इस क्लास को पूरा देख के जाइएगा। अभी एक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो क्या है, वो आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था। अब मैं यहां नाम बताऊंगा तो ज्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए।
ऋतिक जी ने पूछा हुआ था। इनका क्वेश्चन क्या था कि जैसे माइनस वन है और एक संख्या थी वो भी माइनस में थी, माइनस टू के बीच पांच परिमेय संख्या। देखिए गौर करिएगा, कुछ भी करना हो बस आपको नियम समझना है, पांच परिमेय संख्या इसे आप पहले आंसर में बना लो। देखिए दोनों का हर यानी डेनोमिनेटर इक्वल है, तो जितना निकालना है उससे एक अधिक करके गुणा कर दो ऊपर नीचे। ये लो पांच निकालना था, छह से गुणा होगा, माइनस छह बटा छह आएगा, और इसमें भी वही से ये माइनस बारह बटा छह आएगा। लिख डालो जल्दी से, पहले छोटी नंबर बाद में बड़ी नंबर। छोटा कौन है जी? ये छोटा है ना, वो बड़ा है। क्यों? जितना ज्यादा माइनस होगा जो उतना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा जिसके ऊपर कर्जा लदेगा उतना ज्यादा वो गरीब बनेगा, कर्जदार बनेगा। तो पहले हम लिखेंगे माइनस बारह बटा छह, पांच निकालना था, ये लो। ये बताइए माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व के पहले क्या आया होगा? माइनस इलेवन, माइनस टेन है ना जी, तभी तो सिक्स आएगा। तो ये माइनस इलेवन अपॉन सिक्स, और ये फाइनल में आपका है ही। समझ में आया ना? इस तरह से आपकी ये पांच परिमेय संख्याएं हो गई। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दिल की बातों को शेयर करिएगा। और हाँ, पढ़ाई से संबंधित अन्य जानकारी एवं अपडेट के लिए विजिट करें pvrstudy.com। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस, पीडीएफ फाइल और भी बहुत कुछ मिलेगा, अनंत चीजें मिलेंगी, आप खुशी से सारा बोर हो जाएंगे। तो एक बार अवश्य विजिट कर लीजिएगा। अभी हो सकता है अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत होगी तो आप चैनल पे आ जाएंगे लौट के तुरंत फट से, लेकिन विजिट जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको आप पूछना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच करके भेजें, क्वेश्चन लिख करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको क्लास मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, लाइक करके बताइएगा और कमेंट भी करिएगा। पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें जिससे आपको और भी ढेर सारी क्लास मिल सके और आप आगे बढ़ सकें। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। फिर से अगली क्लास में मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, एक नई क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं आप पार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।